जी नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं गिलानी वाले बाईपास पे और हम देखने आए थे, दिखाने आए थे आपको कि जो सैलाब शुजालपुर रोड से होता हुआ शुजालपुर वाली माड़ी जो बिहाड़ी है वहाँ से होता हुआ जो यहाँ तक आया है, ये सामने जी सारा सैलाब है, ये सामने अलहमद पंप खड़ा है, ये सामने ये सारा पानी है और ये सारा, ये आप जैसा कि देख रहे हैं बस थोड़ा सा रह गया है। ये सामने एक बंद बांध रखा है उन्होंने, जो अगर वो ना बांधते तो ये दीनपुर की तरफ चला जाता सारा पानी। ये फिलहाल तो इधर पानी सारे इकट्ठा हो रहा है, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। ये देखें ये साथ ही बैग है और ये गिलानी वाला बाईपास और ये सामने अलहमद पंप है, उसके साथ पानी टकरा चुका है और ये सारा पानी बिहाड़ी इस वक्त फुल हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि पानी इस वक्त गिलानी वाला बाईपास के करीब हो चुका है, भी कर रहा है आज। वैसे हवा चली हुई है तो कुछ बंदे नहा रहे हैं, तो कुछ देखने आए हुए हैं। साथ ही सी पैक है, गिलानी वाला बाईपास ना होता तो ये फिर सी पैक ही जा लगता। और सामने एक बंद बांध रखे उन्होंने, अगर ये बंद ना बांध तो सीधा दीनपुर बस्ती चले। फिल वक्त वो कह रहे हैं कि पानी पीछे और भी है, सामने भी कुछ बंदे हैं बच्चे आए हुए हैं वो नहा रहे हैं, वैसे वही रास्ता था जो उधर चला जाता था। इस वक्त हर वक्त देख सकते सारा पानी पानी हर तरफ। ये देखें जी, ये बिल्कुल बाईपास के साथ लग चुका है, मेरे ख्याल से यहाँ पे कटाव भी हो रहा है, आप सामने देख सकते हैं पानी का कटाव है जगह पर। मेरे ख्याल से ये खतरा है इसको बाईपास को, और ये देखें ये हर तरफ पानी पानी है। और ये सामने कुछ बच्चे नहा रहे हैं पानी के अंदर, ये देखें ये अंकल ने कुछ लगा रखा है सेब बेच रहे हैं। ये पहले ना सीधा यहाँ पे रास्ता था, ये जो उधर एक आइस फैक्ट्री है उधर जाता था, लेकिन अब ये वो मुनकदा हो चुका है, ये सारा पानी है पानी। ये देखें अभी मैं आपको दिखा, मैं ना आपको आगे चल के दिखाता हूँ ये पानी का बहाव, ये देखें ये सारा पानी है पानी। ये इस साइड पे सी बैग है और ये सारा पानी है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर रोड वैसे ख़राब हो चुका है, सारे गड्ढे पड़े हुए हैं और